कई लोगों को ये बोलेंगे क्रैंक की मिडिल से आपको मेजर करना चाहिए, लेकिन दिस इज काइंड ऑफ रॉन्ग. व्हाई इज दैट? उनके फुट के माइक पोजीशन क्या होनी चाहिए. बैक के साथ हम साइकिलिंग करेंगे तो बैक में पेन होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं. क्रैक आ जाता है यहाँ, क्रैक आ जाता है यहाँ, पीछे की तरफ क्रैक आ जाता है. 180 डिग्री स्टॉपी मारो करेंगे, चला ट्राई करते हैं. हे गाइस, दिस फैट बिग वैभव. सो रिसेंटली अपलोडेड रील ऑन इंस्टाग्राम, जैसे मैंने आपको बताया था 91 बाइसाइकिल के ऊपर कि अगर आपकी सीट कम होती है तो उसको ऊपर करना चाहिए. लेकिन दैट वाज जस्ट अ रील एंड काफ़ी लोगों के कमेंट आए कि यार इसके बारे में प्रॉपर वीडियो बननी चाहिए. सो टुडे हम इसी बारे में वीडियो बनाएंगे एंड दिस इज कि आपकी जो बाइसाइकिल की सीट हाइट है वो कितनी होनी चाहिए. If you have wrong seat height, तो आपकी knee pain हो सकती है, आपकी back pain हो सकती है, even आपके toes भी pain हो सकते हैं. And अगर wrong seat position है तो शायद आप father भी नहीं बन पाएंगे. इस वाली वीडियो में आपको एक एक solution बताऊंगा, आपको ये बताऊंगा आपके लिए perfect seat height कौन सी है, calculation तक आपको बताऊंगा, and even मैं आपको ये बताऊंगा कि साइकिल के ऊपर कैसे चढ़ा जाए, बिकॉज अगर आप ज़्यादा हाई सीट रखते हैं तो साइकिल पर चढ़ने में दिक्कत आती है, एंड बैलेंस कैसे बनाना है ये भी हम चीज़ बताएंगे. नाउ लेट मी टेल यू द प्रोसीजर कि आपकी सीट हाइट कैसी रहनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बिगिनर्स होते हैं अपनी जो सीट हाइट होती है वो ऐसे करके रखते हैं, सबसे लोएस्ट पोजिशन में करते हैं. वाई इज दैट? बिकॉज वो चाहते हैं कि उनके जो पैर हों वो ज़मीन पर पड़े, तो वो ऐसे करके साइकिल पर बैठ जाते हैं. ये देखते हैं ठीक है मेरे पैर ज़मीन पर पड़ रहे हैं, ये मेरी सीट हाइट होनी चाहिए. आपके बैलेंस बनाने में भी ईजी लगता है, आपको डर भी नहीं लगता है ना. आप ऐसे साइकिल चलाएंगे ना तो आपको ऐसे लगेगा देखने में. सो आपने देखा कितना फनी लग रहा था मैं यहां पर, एंड ये चीज करना बहुत ज्यादा आपके एक तो फनी भी लगते हो एंड ऊपर से आपकी लेग्स भी पेन होना स्टार्ट हो जाती है एंड आप पावर बहुत ज्यादा लगाते हो, आपकी स्पीड उतनी नहीं आ पाती. देन सेकंड, लोग क्या चीज करते हैं, एंड शायद मैंने रील में भी यही दिखाया था कि ऐसे करके अपने हिप के हिसाब से इसकी सीट की हाइट एडजस्टमेंट कर देते हैं, विच टू अ सर्टेन एक्सटेंड इज राइट, लेकिन हमेशा ये राइट नहीं होता. इवन जैसे मैंने अब क्या करा, मैंने हिप के हिसाब से इसको एडजस्ट करके देखा एंड लेट्स सी कि इसकी सीट हाइट क्या है. देखो पहले से पेडलिंग करने में तो बहुत ज़्यादा सही लग रहा है मेरे को, लेकिन दिस साइकिल या दिस सीट इज स्टिल लोअर. पहले वाली सीट हाइट थी वर्सेस ये वाली सीट हाइट है ज़्यादा कंफर्टेबल थी मेरे लिए, बिकॉज दिस काइंड ऑफ हायर, एंड हायर होने के बाद ये मेरा फायदा हुआ कि मेरे को ज़्यादा ईजी लग रहा है पेडलिंग. नाउ लेट्स सी कि एग्जैक्ट डिस्टेंस क्या होता है. अब मैं प्योरली ये फोकस करूँगा कि फुट के माइक पोजिशन क्या होनी चाहिए. कई जो लोग होते हैं वो हाफ फुट पे वर्क करते हैं, जर्नली सारे साइकिल सही करते हैं, दिस इज काइंड ऑफ रॉन्ग. सीट हाइट जो भी एडजस्टमेंट करते हैं वो इस हिसाब से करते हैं कि ये जो बीच वाली फुट है, मतलब बीच में आपका मिड पॉइंट है, वहाँ पे ज्यादा इजी रहे. दिस काइंड ऑफ नॉर्मल फॉर पीपल, कई लोग ऐसे कर सकते हैं लेकिन वाई टू डू इट. लेकिन इसको अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ रखेंगे सो दिस इज लाइक द परफेक्ट आपका पेडल का पोजिशन, कि बिल्कुल भी आगे नहीं है ये, आपको बिल्कुल आगे रहेगा. कि बिल्कुल आगे है तो बहुत ज़्यादा आपकी टो पे प्रेशर बढ़ेगा, तब आपका दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड बिल्कुल लो भी नहीं है. तो इतना आपका होना चाहिए कि आपके जो यहाँ पे मसल्स होती हैं, आपके जो क्या बोलते हैं पैर के फुट की एक फिंगर होती है, तो वो आपकी एक्सल के बीच में लैंडअप होनी चाहिए. मतलब एक एक मसल आपकी हेल्प करेगी, तभी आपकी पेडलिंग की जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा इंक्रीज होती है. जब मैं चीज़ें कर रहा हूँ तो मुझे तो पता नहीं मेरे क्या एंगल दिख रहा है. इसका एक शॉर्टकट होता है, अपने फ्रेंड को अपना मोबाइल दे सकते हैं एंड उससे ये चीज़ रिकॉर्ड करा सकते हैं, अपने ट्राइपॉड भी ये चीज़ें हेल्प कर सकते हैं. जैसे मैं अपने फ्रेंड को दे दूंगा एंड उसको मैं बोलूंगा कि मेरी वीडियो बनाओ कि कैसे मैं यहाँ पर लग रहा हूँ. सो एट दिस पॉइंट यू कैन सी कि जो मेरा कैमरामैन है वो मेरा मोबाइल होल्ड कर रहा है एंड मैं ऐसे करके अपना देख सकता हूँ, मतलब ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग में देखूंगा कि क्या मेरे ठीक है पेडल या नहीं है. जब अपनी सीट की हाइट बहुत ही ज़्यादा रख लेते हैं तब आपकी ये इश्यूज आते हैं कि आपकी जो हिप्स होती है वहाँ पे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, कई बार आपकी बैक में पेन होना स्टार्ट हो जाता है एंड नीचे वाला जो एरिया है उसमें तो स्पेशली बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है. अब सीट हाइट एडजस्ट करने के लिए आप दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो हर बार राइड करो, इसको एडजस्ट करो, चेंज करो. दैट इज़ नॉट गोना हैपन. मैं आपको थोड़ा सा ईजी वे बताना चाहता हूँ, हम वहाँ पर चलेंगे. अब या तो किसी स्टैंड पर खड़े हो सकते हैं या फिर आप किसी वॉल की हेल्प ले सकते हैं. जैसे यहाँ पर मुझे एक वॉल दिख रही है, मैं इसकी हेल्प लूँगा. कि हमने सीट हाइट देखनी है, सबसे पहले मैं एक रेफरेंस हाइट ले लेता हूँ. दिस इज माई रेफरेंस हाइट, ठीक है, ये मैंने रख ली, कोई एग्जैक्टली कोई फर्क नहीं पड़ता. एंड अब मैं इसके ऊपर बैठ के देखूंगा. नाउ आई विल टेक द लोअर आर्म, इसको जो है हम ऑलमोस्ट स्ट्रेट नीचे करेंगे, थोड़ा सा आगे रखेंगे. कहीं में स्ट्रेट काम कर जाता है, कहीं पर नॉर्मल काम करता है. अब आप देखेंगे जो मेरा फुट है वो जो आगे का हिस्सा है मैं वहाँ पर रखूँ, 1/3 के आसपास इसको रख रहा हूँ. एंड आप देखेंगे जब ये पूरा स्ट्रोक नीचे की तरफ है तो मेरे यहाँ पर आपको एक एंगल दिख रहा होगा. एंड दिस इज अ साइन कि आपकी जो सीट हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है. प्रॉपर लो कर देता हूँ, हाँ इतना अगर हम करेंगे तो आप तब देख सकते हैं तब भी एक थोड़ा सा किंक यहाँ पर आ रहा है. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल चेंज द सीट हाइट एंड इसको थोड़ा सा ऊपर मैं कर लेता हूँ एंड लेट्स सी हमारे लिए परफेक्ट है कि नहीं. थोड़ा तो नहीं, बहुत ज़्यादा ही कर लिया मैंने. अब वापस इसको मैंने यहाँ पर लगा लिया, एक पैर में रख लिया. जनरली फुटपाथ भी यूज़ कर सकते हैं,
नाउ लेट्स सी, ये देखो एक तो मेरा पैर रीच नहीं कर रहा ठीक से, एंड रीच करने के लिए मेरे को थोड़ा सा इसको बेंट होना पड़ रहा है। अपने जो फुट है, अगर आप पास से दिखाएंगे, फुट के जो एज है मुझे यहाँ पर रखनी पड़ रही है, तब जाके मेरा थोड़ा सा किंक आ रहा है या फिर स्ट्रेट हो पा रहा है, एंड दिस इज नॉट एग्जैक्टली राइट फॉर मी। सो दिस सीट हाइट इज काइंड ऑफ हाई, इस सब देख के एक तो मेरा पूरा पैर स्ट्रेट रह रहा है, ये नहीं होना चाहिए, एंड जो मेरा क्या बोलते हैं फुट है वो बिल्कुल ही आगे टाइप सा है। नाउ इसको थोड़ा सा लो कर देते हैं सीट हाइट को, लेट्स सी अब आप कितना लो करें। जनरली आप हाफ सेंटीमीटर के आसपास कर सकते हैं, जो बिगनर्स होते हैं वो काफी दो ऊपर नीचे अपनी सीट रखते हैं, तो मे बी वो 1 सेंटीमीटर के आसपास भी वर्कआउट कर सकते हैं। सो लेट्स सी नाउ इज दिस अ परफेक्ट सीट हाइट फॉर मी, दिस शुड बी अ परफेक्ट सीट हाइट, मैं देख लेता हूँ एक बार। ये मैंने पूरी तरह नीचे करा, अपने पैर यहाँ पे रखा, दिस इज आई गेस बेस्ट सीट हाइट। तो यहाँ पर थोड़े से मार्क्स भी लगे होते हैं जिससे आप मेजरमेंट भी कर सकते हैं, कई सीट में आती है कई में नहीं आती, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है ये चीज़, स्पेशली अगर किसी और को साइकिल दे रहे हैं तो। अब मैं लेग्स नोटिस करेंगे, सो यहाँ पर आपको एग्जैक्टली किंक दिख पा रहा होगा। कई बार क्या होता है आप ये सोचते हैं कि आपकी सीट हाइट बहुत ज़्यादा हाई है, आपको थोड़ा सा दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ओवर द टाइम वो दर्द कब है कई बार बंद हो जाता है। नाउ हम बात करते हैं गूगल पे क्या फॉर्मूला है परफेक्ट सीट हाइट का। दिस इज द फॉर्मूला ऑन द गूगल जो आप आराम से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है आपके लेग से वो हो जाता है, आप आराम से इसको मेजर कर सकते हैं, उसकी कैलकुलेशन लगा सकते हैं, एंड फिर जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका क्या बोलते हैं यहाँ के मिड पॉइंट से लेकर आपका जो पेडल का मिड पॉइंट होता है, मतलब पेडल का स्ट्रोक अगर हम ऐसे करके रख लेंगे, मतलब एग्जैक्टली ये शायद होता है, एंड ऐसे करके जो वो आपकी कैलकुलेशन आती है वो आपकी सीट हाइट एग्जैक्टली है। लेकिन ये भी मैं थोड़ा सा गिव एंड टेक बोलूँगा, बिकॉज कई लोगों की पोजीशन अलग होती है, कई लोग अलग अलग राइड करते हैं, तो ये आपके अक्रॉक्स क्या बोलते हैं पोजीशन आ गई। इसके बाद आप थोड़ा सा फाइन ट्यून इसको कर सकते हैं, आधा सेंटीमीटर और आधा सेंटीमीटर नीचे ऐसे ऐसे करके अपनी परफेक्ट सीट हाइट निकाल सकते हैं। नाउ देयर आर सम पॉइंट जो आपको याद रखने चाहिए। द फर्स्ट इज दैट जो आपकी बैक होती है वो हमेशा स्ट्रेट रहनी चाहिए। अगर आप ऐसे बेंड बैक के साथ अपनी साइकिलिंग करेंगे तो बैक में पेन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो अगर आप बैग पहन रहे हैं पहली बार तो बैग ही मत पहनो, एंड अगर आप पहन रहे हो तो अपने जो ये वाली स्ट्रैप्स है इसको थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे करके टाइट कर लो। ये जैसे ही टाइट होगा आपका जो वेट होगा थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाएगा, आपकी बैक से सारा वेट हट जाएगा, एंड उससे आपकी बैक पेन भी थोड़ी सी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। जो आपकी सीट पोस्ट होती है उस पर एक लिमिट का भी साइन होता है, उसको कभी आपको क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर आपको स्मॉल साइज साइकिल है तो हमेशा ही होता है, जैसे मेरी डुकाडी है उसमें ये प्रॉब्लम्स आ रही है मुझे, जो मेरी यूनाइटेड है इसमें भी ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई में अपनी सीट हाइट रख रहा हूँ। अगर आप सीट हाइट से ज़्यादा जाते हैं दैट मीन्स आपको जो फ्रेम के ब्रेकिंग चांस होते हैं वो ज़्यादा रखते हैं। जनरली यहाँ पर कोई ना कोई आपको क्रैक आ जाता है, यहाँ क्रैक आ जाता है, यहाँ पीछे की तरफ क्रैक आ जाता है। जब आप राइडिंग कर रहे हो तो आप जो इनफ वेट है अपना पीछे की तरफ रखें, एंड थोड़ा सा वेट आप हैंडल बार की तरफ रखें अगर आप कंफर्ट राइडिंग कर रहे हैं। सो अगर आपकी साइकिल ऊपर नीचे होने में या फिर आपकी सीट हाइट ऊपर नीचे होने में दिक्कत आ रही है तो यहाँ की जो आपकी सीट पोस्ट है आप इस पर ग्रीस अप्लाई कर सकते हैं थोड़ी सी। नाउ आपकी जो सीट हाइट है अगर वो ज्यादा है तो उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको बैलेंस कैसे बनाना है। जब आप सीट हाइट ऊपर करते हैं तो आप ऐसे करके चढ़ने की कोशिश करते हैं, आपकी बाइक है स्ट्रेट तो आप ऐसे करेंगे पैर उठाएंगे, यहाँ आपका पैर टकराएगा एंड फिर आप ऐसे करके बैठेंगे। नॉट ओनली आपकी साइकिल गंदी होती है इस चीज से, लेकिन आपके यहाँ पे निशान भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं, स्क्रैचेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। साइकिल पे चढ़ने का तरीका क्या है, अपनी साइकिल बेंड करो, जितनी बेंड कर सकते हो उतनी करो, इतनी नहीं करनी चाहिए, जल्दी हम जर्नी इतनी करते हैं तो थोड़ा सा आप एंगल रखो, एंड फिर पीछे से कई बार आप लाते हो तो पीछे से आपको डिफिकल्ट होएगा बिकॉज आपकी सीट आएगी, तो आप ऐसे करो एंड ऐसे करके पैर रख लो। दिस इज द थिंग, मैं फिर से करके दिखाता हूँ आप लोगों को। साइकिल टेढ़ी करी, टेढ़ी करने के बाद ऐसे करके पैर रख दिए, बहुत इजीली हो जाता है। नाउ सीट हाइट आपकी ऊपर है एंड ऐसे करके आपको चढ़ना है, ये देखो ऐसे करके चढ़ गए। अब कई लोग बोलेंगे यार मेरे को तो काफी डिफिकल्टी आ रही है इस चीज में, डर लग रहा है यार मैं गिरना चाहूँ तो उसका उतरने का मैं आपको एक तरीका बताया था। सिम लॉक की स्पीड बहुत ही कम है ना, तो मैं एक बार पहले वहां से आता हूँ स्ट्रेट, ये मैं आया ऐसे करके आया एंड मेरी अब स्पीड होगी बहुत कम। इस टाइम मुझे फुट नीचे रखनी है, अगर बिगनर होगा ना वो ऐसे करके फुट रखेगा नहीं रहेगी जमीन पे एंड वैसे गिरने की कोशिश करेगा। अगर अभी आपने नोटिस किया जो मेरी सीट है, मैं सीट के ऊपर बैठा हूँ एंड सीट पे बैठे बैठे मैं पैर रख रहा हूँ तो गिरने के बहुत ज्यादा चांसेस है, एंड दैट इज द रीजन जो बिगिनर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डरते हैं इस चीज से। वो बैठ के या पैर रखोगे तो कहाँ से जमीन पे आपके पैर आने हैं, सीट हाइट कैसे ऊपर कर पाओगे, तभी तो आप पैर टच करने की कोशिश करते हो। तो इसका तरीका क्या है, जब आप बैठे हो साइकिल पे आप आगे स्पीड में आप राइड कर रहे हो एंड जैसे आप रुकने के लिए आ रहे हो तो अपनी जो हिप है वो थोड़ी आगे कर दो एंड ये वाले पैर ऐसे करके उतर जाओ। दिस इज हाउ इजी इट इज, लोग डरते हैं यार उतरने से। खड़े होकर अगर आप साइकिलिंग करना स्टार्ट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस बनना स्टार्ट हो जाएगा एंड अपना भी आप ये वाला तरीका सीख जाओगे। ये वही छोटी सी स्पेशली चीज है जो अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं कि चढ़ना कैसे उतरना कैसे, एंड लोग वो डरना बंद हो जाएंगे। ऑब्वियसली पहली बार डर लगता है, बाद में आप करेंगे तो ईजी रहेगा। रुकने के लिए मैं फिर से बताता हूँ, अगर रुके हुए हो तो आपको जो पेडल है ये 3/4 पे आना चाहिए ऐसे करके, ताकि आप पुश दे सको साइकिल को। आप अभी यहाँ पे खड़े हो साइकिल पे, बैठे नहीं हो। कई क्या होते हैं बैठ के ऐसे पेडल करके
स्टार्ट करते हैं, दैट इज काइंड ऑफ रॉन्ग। सो आप इसको 3/4 रखो पेडल को, इस पे पैर रखो एंड साथ साथ खड़े हो जाओ, मतलब बैठना नहीं है, खड़े हो गए ऐसे पेडलिंग करो, जैसे लगे थोड़ा सा बैलेंस बन गया बैठो साइकिल पे। नाउ लेट मी टेल यू कि आपकी जो सीट का एंगल है वो क्या होना चाहिए। सो अगर आप अभी देखेंगे जो मेरा सीट का एंगल है थोड़ा सा फॉरवर्ड की तरफ है, एंड व्हाई इज दैट, बिकॉज जब भी मैं राइडिंग करता हूँ ज्यादातर मेरी अपहिल राइडिंग ज्यादा होती है, एंड सेकंडली जब मैं व्हीली मारता हूँ तो मुझे पीछे से यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, अगर मैं स्ट्रेट रखूंगा तो मेरे को व्हीली का सपोर्ट नहीं मिलता है। जनरली आपको हमेशा अपना एंगल एग्जैक्टली फ्लैट रखना चाहिए। नो अपने अगर आप सीट एंगल भी थोड़ा सा पीछे की तरफ रखते हैं तो आपके साथ ये हो सकता है। नाउ बिफोर आई एंड दिस वीडियो, लेट्स सी पुरानी वाली वीडियो में फर्स्ट कमेंट किसने किया था। दिस फ्रॉम XStarFF, इन्होंने लिखा फर्स्ट व्यू, एंड जो भी फर्स्ट कमेंट होता है उसको मैं हार्ट मार्क कर देता हूँ। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है, इन्होंने लिखा हुआ विद्या आनंद ठाकुर ने लिखा है, ओ भाई अगर हम साइकिल इस गड्ढों में चलाएंगे तो गेट टूट जाएंगे। गड्ढों में साइकिल चलाने से गेट नहीं टूट जाते हैं, वो ऑब्वियसली तब टूटेंगे जब रॉन्गली अपने गियर्स यूज करेंगे। गियर पे आपको कभी भी डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन कई बार अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे होते हैं, आपका गियर इनकरेक्ट है, उसकी इंडेक्सिंग ठीक नहीं है, कई बार उसमें इशू आ जाता है। जब मेरी पुरानी वाली एक वीडियो अपलोड करी थी, इसमें अभिषेक में आगे राइड करा था, उसकी इंडेक्सिंग ठीक नहीं थी, फर्स्ट गियर में डाउनहिल करा था, उससे गेट टूट गया। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैं इंस्टाग्राम से पिकअप कर रहा हूँ, ये है वादिश पिस्टन हेड का। सो उन्होंने लिखा हुआ इट इज वर्थ बाइंग अ बाइसाइकिल सो एक्सपेंसिव डुकाडी के लिए। वेल लेट मी जस्ट टेल यू, जो डुकाडी बाइसाइकिल है दैट इज काइंड ऑफ एन इम्प्रैक्टिकल बाइसाइकिल फॉर अ रेगुलर राइडर। अब आप ये बोलेंगे इम्प्रैक्टिकल है तो मैंने बाइक क्यों करी, द रीजन इज दैट कि मेरे पास ऑलरेडी 23 साइकिल्स हैं। मैं अगर एक और साइकिल ऐड कर लूंगा मेरे लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मेरे को शौक ज्यादा अच्छा रहता है कि मेरे को लगता है कि यार अलग अलग टाइप की साइकिल्स होनी चाहिए, तो मैं इसलिए मेरा मन था कि मैं डुकाडी ले लूँ। लेकिन फॉर अ नॉर्मल पर्सन आई वुड रिकमेंड, ऑब्वियसली मुझे लगता है 1/4 प्राइस हुआ ना, सो करंट प्राइस था ये मिल जाएगी भैंस की। Now let's see, last question, ये है रामेश्वर साहू चंदन से, इन्होंने लिखा वैभव 180 डिग्री स्टॉपी मारो, करेगा चला ट्राई करते हैं। फैट बैग इतने डिफिकल्ट होता है करना, लेकिन जो एमटीबी होता है इतने इजी होता है इस पे करना, लेट्स डू इट। ऑब्वियसली फैट बैग वर्सेस एमटीबी में बहुत ज्यादा फर्क होता है, इवन तो मुझे स्टॉपी की ज्यादा आदत नहीं है, हो सकता है ओवर द बार चला जाऊं, ऐसे करता हूं। ठीक है 3, 2, 1 अभी तो हो भी गई, फिर से कर देते हैं, तो 2 सेकंड में होगी फर्स्ट टाइम। क्या था ये, उससे कम एंगल था, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ है पक्का, ये अलग हम स्टंट इसका नाम देंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है आप इसको लाइक कर सकते हैं। हे गाइस दिस इज फैट बैग वैभव, ठीक था या फिर से करूं? मैं अब समझा, मैं हरकतें करता था फैट बैग पे, मैं कहूं मेरे से हो क्यों नहीं पा रही, अब पता लगा भैंस की साइकिल चेंज करने की जरूरत है। हे गाइस दिस फैट बैग बोल चुका हूँ क्या, हाँ केजरीवाल को कुछ आया हुआ ऑन अ वीडियो, चीफ मिनिस्टर विल एड्रेस अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एट ऑन COVID-19 एट 12 PM टुडे। गाइस लॉकडाउन लग गया भैंस का, मजा आ रहा है यार कर करके। सो एट दिस पॉइंट यू कैन सी, चुप रहे, दिस गाइस शायद अभी चेक करते हैं। नई साइकिल में हमेशा यही दिक्कत आती है, जो कि मैं करेक्ट भी करने वाला हूँ। यू कैन सी ओवर हियर जो डिस्क है वो डिली हो गई है। यहाँ पर हमारी हैक वाली वीडियो के लिए एक और कंटेंट आ चुका है, दैट इज कि डिस्क के रोटर्स खुल जाए तो उसको बंद कैसे करना है, इसकी भी वीडियो में बनाऊंगा। गेस कर इसके अंदर क्या, रोटी है कुछ, रोटी कपड़ा तो है ही। हाँ आते रोटी दिखाऊँ मैं। अब आपके नॉर्मल लेके आते पूटना चाहते ना अपने, अगर आप सीट एंगल भी थोड़ा सा पीछे की तरफ रखते हैं तो आपके साथ ये हो सकता है। ऊपर आएगा मेरे भाई, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैंने, अंडे फोड़ने की ट्रिक, एक ही फटा है भाई, आप बच सकते हैं, आपका सिर्फ एक ही फटेगा, ठीक है बच गया, ऐसे आपके टूट सकते हैं। हेलो कैसे हो, कई बार अगर हम सीट एंगल ऐसे कर देते हैं तो ये हाल होता है पता है। देखो साइकिलिस्ट को समझ आ जाता है, और कितने अजीब से टाइम पे आया जब हम ये वाली चीजें कर रहे हैं। हमने आपकी सीट हाइट एडजस्ट करना सिखाई, एंगल बताया, बैक पेनों से बताया, तो अगर वो टिप्स आपको पसंद आती है अपने फ्रेंड्स के साथ वो शेयर कर सकते हैं। एंड ऐसी और भी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। अगर मैं इंस्टाग्राम पर थोड़ी सी रील्स भी बनाने वाला हूँ तो आप उनको इंस्टाग्राम पर चेकआउट कर सकते हैं, दी हैंडल इज फैट बैग वैभव, एंड दिस इज फैट बैग वैभव साइनिंग ऑफ।